हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है छठी। छठी के दिन बना रहे हैं कढ़ी चावल। तो देखिए, छठी में कढ़ी चावल बनते हैं, तो उसके लिए मैंने बड़ी पहले से निकाल ली है पकौड़े। और ये देखिए, उसी तेल में अब थोड़ी सी हींग डालेंगे और मेथी डालेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं डाला है, क्योंकि नहीं तो हींग फिर जल जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा हल्का सा तेल मतलब कम कर दिया था गर्म होने के बाद। और इसमें हींग और मेथी से तड़का लगाएंगे। बाकी इसमें बाकी लहसुन वहसुन कुछ नहीं डालना है, क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। तो इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं डालेंगे, सादा सी कढ़ी बनाएंगे। तो इसमें मेथी और हींग का तड़का लगा दिया है। और ये देखिए, कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने मठा में बेसन घोर के रखा है। तो जितना आपको मतलब बनाना है वैसे कढ़ी, तो वैसे ही सब लोग बना लेते हैं। तो ये देखिए, मठा में बेसन में मठा घोर दिया है। और ये देखिए, मेरी कढ़ी छुक गई है। उसके बाद चावल भी बनने के लिए रख दिया है। तो छठी के दिन लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का ही भोग लगाना चाहिए। इसलिए देखिए, शाम के टाइम ही मैंने एक कढ़ी चावल बना रहे हैं। तो कौन कौन किसके यहाँ छठी पूज रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। देखिए, मैंने कृष्ण भगवान की कैसे छठी पूजी है, तो देखिएगा। और ये देखिए, 2-3 मिनट हो गए हैं, तो कढ़ी मेरी देखिए खोलने लगी है। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद फिर हल्दी डालेंगे। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। उसके बाद इसमें हल्दी डाल देंगे। तो या हल्दी घोर कर पानी में डाल दीजिए, या तो इस तरह से ऐसे ही अच्छे से पक जाती है। तो देखिए, इस तरह से मिलाते जाएंगे तो हल्दी अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद देखिए, पकौड़ी तो मैंने पहले ही निकाल ली हैं एक ही कढ़ाई में, जल्दी हो जाता है, नहीं तो सब बर्तन ख़राब होते हैं। तो इसलिए पहले मैं पकौड़ी निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर कढ़ी भी इसी में छोंक देती हूँ। तो ये देखिए, मेरी कढ़ी बन रही है। और एक हीटर पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं बनने के लिए। तो चावल भी बनना है, तो एक साथ जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। और एक साइड में रोटी भी सेंक लूँगी, क्योंकि शाम के टाइम बहुत जल्दी का काम रहता है। तो देखिए, मेरी कढ़ी बन रही है, और उसके बाद देखिए इधर चावल भी बन रहे हैं। तो देखिए, एक छोटी सी भगोनिया में मैंने चावल भी रख दिए हैं। उसके बाद देखिए, कढ़ी अच्छे से खोलने लगी है। और 5-10 मिनट हो गया था मीडियम फ्लेम पर, कम से कम 10-15 मिनट मैंने अच्छे से पकाया है। उसके बाद ये देखिए, पकौड़ी डाल दी है। पकौड़ी डालने के 1 मिनट तक ही चलाना है, उसके बाद गैस बंद कर दी है। देखिए, तो नहीं तो ज़्यादा इसमें अगर चला देंगे तो पकौड़ी पूरी इसी में मैस हो जाती हैं। थोड़ा अच्छी गर्म कढ़ी है, तो वैसे ही फूल जाएंगी। और उसके बाद ये देखिए, मैंने अठवाई बनाई हैं। तो लड्डू गोपाल को अठवाई, पंजरी, कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, बना करके रख ली है। हेलो फ्रेंड, तो देखिए हो रही है मेरी कृष्ण भगवान की पूजा, छठी की पूजा। देखिए कैसे होती है, उसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। छठी का दूध, इसमें स्नान करेंगे लड्डू गोपाल, और इनका प्रसाद बनाया है। देखिए, कढ़ी चावल और ये पंचामृत अठवाई बनाई है, और ये पंचमेवा प्रसाद लिया है। और ये देखिए, उनका मुकुट वगैरह सामान और ड्रेस मंगवाई है लड्डू गोपाल की। और देखिए, अब उनको स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, लड्डू गोपाल के कपड़े उतार दिए हैं और इनका मालस कर रहे हैं। तो सबसे पहले नहाने से पहले लड्डू गोपाल का देखिए, इस तरह से मैंने हाथों में घी ले लिया है, और अच्छे से मालस करेंगे। जिस तरह छोटे बच्चों का मालस करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल का मालस करना है। और उसके बाद ही इनको स्नान करवाना है। तो देखिए, मैंने घी या तेल, लेकिन घी से ही कहते हैं लड्डू गोपाल का मालस होता था, तो इसलिए मैंने घी लिया है। और घी से अच्छे से मालस कर देंगे। उसके बाद देखिए, इसमें कच्चा दूध लेना है, और इसमें तुलसी पत्ती डाल दी है, और थोड़ी गुलाब की पंखुड़ी भी डाल दी है। और अब इसको स्नान करवाएंगे। तो देखिए मालिश हो गया है। उसके बाद ऐसे उंगली लगा करके ही स्नान करवाना है, और एक कच्चा दूध है। और इनको स्नान कराने के बाद ये दूध यूज में भी ले सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या ऐसे पी सकते हैं। क्योंकि जब लड्डू गोपाल स्नान कर लेते हैं, तो ये दूध भी पवित्र हो जाता है। और ये छठी का दूध, यही कहावत है कि छठी का दूध याद दिला देंगे, वही देखिए छठी का दूध है। और लड्डू गोपाल दूध में ही स्नान करेंगे, और जल्दी से इनको ऐसे डुबकी लगवा करके 2 बार और उठा लेंगे सीधा। फिर उसके बाद ऐसे दूध ऊपर से डालते हुए फिर एक प्लेट में देखिए रख लिया है। उसके बाद अब पंचमेवा, शहद, चीनी, ये सब कुछ मैंने इसमें दही में डाल लिया है। और ये देखिए,
सब शहद डाल दी है, शहद से स्नान करवाएंगे। उसके बाद इनको दही से और गंगा जल एक कटोरी में या किसी में रख लीजिए, उसी में सादा जल भी ले लीजिएगा। और ये देखिए पंचमेवा और शहद से और दही से स्नान करवा देंगे। इस तरह हाथों से उनको अच्छे से पूरे शरीर में लगा देंगे, फिर गंगा जल से साफ़ कर देंगे। तो देखिए पूरे शरीर में अच्छे से मलते हुए, जैसे बच्चों को नहवाते हैं तो वैसे ही नहवाते हैं लड्डू गोपाल को। और उसके बाद ये देखिए मैंने गंगा जल ले लिया है और इसमें गुलाब के फूल डाल दिए हैं, तुलसी की पत्ती भी डाल ली है। और अब देखिए लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल का स्नान हो जाएगा, फिर उनको वस्त्र श्रृंगार करेंगे उनका। तो देखिए इसी प्रकार से छठी पूजती है, जैसे बच्चों की होती है वैसे ही लड्डू गोपाल की भी छठी होती है। और यहाँ मंदिर में भी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, लेकिन दिन में 4 बजे से ही मनने लगती है। और अब लड्डू गोपाल को एक साफ कपड़े में या रूमाल में अच्छे से ले लीजिए और उनके शरीर को पूरे से अच्छे से पोंछ दीजिए, फिर इनको कपड़े पहनाएंगे। तो देखिए आराम से बिल्कुल उनको पोंछ देंगे, सारा साफ कर देंगे। घी वगैरह लगा हुआ है तो चिकने हो जाते हैं, तो पूरे या अच्छे नया कपड़ा ही लीजिए उनको पोंछने के लिए, साफ करने के लिए। और छठी के दिन लड्डू गोपाल को नए कपड़े, नए मुकुट माला वगैरह सब कुछ नया ही पहनाया जाता है। जैसे नए बच्चों को छठी पूजती है तो नए कपड़े पहनाते हैं, तो वैसे ही लड्डू गोपाल को भी नए कपड़े, नए मुकुट माला वगैरह हर चीज़ नई पहना जाती है। तो देखिए मैंने नई पोशाक मंगवाई थी लड्डू गोपाल के लिए, और माला वगैरह मुकुट वगैरह सब कुछ इनको नया ही पहनाया जाता है। और जो कुछ भी आप अपने उससे पहना सकते हैं, ये देखिए कुंडल है इनके, तो कुंडल पहना देंगे दोनों कानों में। और इनको हर चीज़ मतलब वो नज़र लगने वाली जो नज़र बट्टू होती है तो वो भी पहनाते हैं कोई कोई। तो जितना हो सके उतना ही लड्डू गोपाल के लिए कम है श्रृंगार, चाहे जितना कीजिए लेकिन उनकी पूरी सेवा भगवान की सब कोई नहीं कर पाता है, जितना हो पाता है उतनी ही होती है। और इधर देखिए मुकुट वगैरह सब कुछ देखिए मैं निकाल के और लड्डू गोपाल को माला पहना दी है, और उनके बालों को इस तरह से लगा करके देखिए मुकुट भी पहना दिया है। और अब उनकी सिंहासन पर बिठाएंगे, फिर उनको भोग प्रसाद और धूप बत्ती सब कुछ लगाएंगे। और इसमें एक में देखिए ये चंदन, लाल वाला चंदन सुगंधित चंदन है तो यही लगा देंगे। तो चंदन और इसको सिंदूर से टीका लगा देंगे। उसके बाद देखिए अक्षत लगा दिया है और गुलाब की माला भी पहना दी है, और सब भगवान है तो सबको भी फूल माला सब कुछ चढ़ा देंगे और टीका लगा देंगे। तो देखिए कितने सुंदर लगने लगे लड्डू गोपाल, और सब भगवान को भी फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद धूप बत्ती का और प्रसाद का भोग भी लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इधर बत्ती जलाएंगे और धूप बत्ती भी जलाना है आज के दिन, और उसको प्रसाद लगाना है तो भोग जरूर लगाना है, उनको अपने हाथों से खिलाना है। उसके बाद देखिए उनकी आरती करने लगेंगे। कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, सिरवन में कुंडल जल काता, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, रतन में ठाड़े बनवारी, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, सी गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक मय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुर चंग मधुर मृदंग, ग्वालनी संग मधुर मृदंग, ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष करिहारण गंगा, सिमरन होते मोर शीस बशीस जटा के बीच, हरे हग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेनु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दस गोप ग्वाल धेनु,
हसते मृदु मंद चांदनी चंद ठेर सुन दीन भिखारी की सिगिर कृष्ण मुरारी की आरती कुन बिहारी की सिगिर धर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की सिगिर धर कृष्ण मुरारी की। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, लड्डू गोपाल की जय, सभी देव देवताओं की जय। तो मेरी देखिए आरती हो गई है, अब चारों तरफाएं सभी देव देवताओं को सबको आरती दे देंगे और बच्चों को भी आरती देते हैं और इस तरह से गोल गोल घूम जाते हैं। और देखिए भगवान को, और मैंने प्रसाद तो पहले ही लगा दिया था। मेरे लड्डू गोपाल की छठी बुझ गई है और पूजा हो गई है, भोग प्रसाद सब कुछ लगा दिया है। तो देखिए तो पूरी पूजा हो गई है और भोग प्रसाद सब कुछ लग गया है। और देखिए लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करना भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद चलिए आप लोगों को मंदिर में भी दिखाते हैं, वहाँ भी पूजा होती है। तो देखिए मंदिर पहुँच गए हैं और यहाँ भी छठी की पूजा होती है। तो देखिए मंदिर अभी तक कितने अच्छे से सजा है। और ये देखिए राधा रानी कृष्ण भगवान के दर्शन कीजिएगा। और छठी की पूजा यहाँ 4 बजे से ही होने लगती है और सब लोगों को कड़ी चावल प्रसाद सबको बढ़ता है। तो देखिए बच्चे खेल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।